नमस्कार, स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की वित्तीय अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट आने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार सीज कर DM पौड़ी को दे दिए गए हैं। दरअसल वित्तीय अनियमितताओं की जांच आयुक्त गढ़वाल मंडल के पास थी, जिसके बाद आयुक्त की जाँच रिपोर्ट को सही मानते हुए शासन ने पालिका अध्यक्ष से वित्तीय अधिकार छीन कर DM पौड़ी को दे दिए। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं पौड़ी से प्रदीप नेगी की इस रिपोर्ट में। देखिए, ये आरोप मुझ पर लगा है कि गेस्ट हाउस को तोड़कर मात्र 1,22,000 का काम था जिसे कि डिसमेंटल किया जाना था, और उसके बाद जो ये कहा जा रहा है कि यशपाल बेनाम ने उस भवन की सामग्री को चोर कर बेच दिया। थोड़ी सी सामग्री को बेचकर मुझ जैसा आदमी जिसने कि जब मुझे 2007 में खंडूड़ी जी के द्वारा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खंडूड़ी जी के पक्ष में सीट छोड़ने के लिए 10 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा था, शराब माफियों के बीच बैठाया जा रहा था, उस समय के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी प्रभात कुमार सारंगी जी के साथ शराब माफियों के द्वारा मुझे बैठाया गया था, 10 करोड़ का ऑफर आ गया जो मैंने ठुकराया था, और ये कहा जा रहा है कि मैंने उस सामान को बेच दिया है। आप ये देख रहे हैं, ये सामान जो है टोटल उसका सामान यहाँ रखा गया है, ये पत्रावली मेरे पास है जिसमें ये इस सामान को बेचने के लिए मैंने यहाँ पे निर्देश किया है कि इसके टेंडर लगाए जाएं, इसको कोटेशन लगाया जाए जो सामान बेचा जा रहा है। अगर मैं सामान बेचने की मेरी नियत होती तो ये पेपर में नहीं देता। ये सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, पहली बार इसका पेपर में इसे दिया गया, उसमें कोई नहीं आया, और उसके बाद दूसरी डेट लगाई गई उसमें कोई नहीं आया, ये सामान टोटल यहाँ पे रखा गया। तो मेरे पे सारे आरोप जो हैं झूठे लगाए गए हैं, और कुछ लोगों के द्वारा, ये जो नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, मैंने इतने काम करा दिए हैं, मेरी लोकप्रियता बढ़ी है, पूरे पौड़ी में बढ़ी है, जिले में बढ़ी है, उत्तराखंड राज्य में एक आंदोलनकारी के नाते विधायक रहा हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ, तो लगातार 3 क्रम से मैं लगातार जीत रहा हूँ। तो कुछ लोगों की ऐठन है कि इसको भार किया जाए और फिर चुनाव लड़ा जाए। तो